अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं आपके साथ ऐसा आसान वजीफा शेयर करने लगी हूँ कि गरीब से गरीब आदमी भी अगर इस अमल को करेगा तो इंशाअल्लाह ताला मालदार बन जाएगा। वो लोग जो अक्सर ये शिकवा शिकायत करते नजर आते हैं कि उनके हाथों में पैसे नहीं टिकते बल्कि खर्च हो जाते हैं, ऐसे लोग जिनके पैसों में या रिस्क में बरकत नहीं, दो रकत सलातुल हाजत पढ़े और जब आप सलातुल हाजत मुकम्मल कर लें सूरह यासीन को इस तरह से पढ़े कि सूरह यासीन में सात मुबीन है। बिस्मिल्लाह से सूरह यासीन शुरू करें और जब आप पहली मुबीन पर पहुँचें तो सूरह इखलास एक मर्तबा पढ़नी है, फिर आगे सूरह यासीन को पढ़ना शुरू करें। जब आप दूसरी मुबीन पर पहुँचें तो सूरह कौसर एक मर्तबा पढ़नी है, ऐसे ही जब आप तीसरी मुबीन पर पहुँचें तो सूरह अलम नशरा एक मर्तबा पढ़नी है, चौथी मुबीन पर पहुँच कर सूरह फातिहा पढ़नी है, पाँचवें मुबीन पर पहुँच कर आयतुल कुर्सी पढ़नी है, छठे मुबीन पर पहुँच कर ये आयत और दुआ पढ़नी है जो की आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, सातवें मुबीन पर पहुँच कर दुरूद पाक कोई सा भी पढ़े, अगर आप दुरूद इब्राहिमी पढ़ेंगे तो बहुत ही ज्यादा अफजल है। बस जिस टाइम आप ये अमल कर रहे हो पूरा यकीन पूरी यकसुई इस अमल के दौरान अपने मकसद के हसूल पर रखें, इंशाअल्लाह ताला चंद दिन इस अमल को करने से आपके लिए रिस्क की वसत के दरवाजे खुलना शुरू हो जाएंगे। आप खुद भी इस पर अमल करने की कोशिश करें और सदका जारिया की नीयत से दूसरों के साथ भी शेयर कर दें।